तो ये एक्सरसाइज 12 बी का क्वेश्चन नंबर 16 का हम इसमें सेकेंड पार्ट देखेंगे, जो कि पहले में पहले पार्ट में जो आया था 19.625। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि यदि रस्सी की माप 5 मीटर के बजाय कितना कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए, तो वृत्त की त्रिज्या तो जो है उस मतलब 10 मीटर जब रस्सी हो तब जो है उस भाग द्वारा चरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब 10 मीटर जो है जब त्रिज्या हो जाएगी तो क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो यानी कि अब त्रिज्या कितनी हो गई, 10 10 मीटर। ठीक, तो अब जो है यहाँ लिखेंगे 10 मीटर वाले, 10 10 मीटर वाले मैदान जहाँ घोड़ा घोड़ा घास चर सकता है, चर सकता है, ठीक है उस भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, अब बटे 360 है गुणे पाई का मान 3.14 लेना है, पाई का मान इसमें 3.14 गुणे आर का मान कितना रह जाएगा 10, तो 10 गुणे 10 करेंगे यानी कि 100 हो जाएगा होगा। अब जो है 9 चौक 36 तो 1/4 ही हो गया, अब गुणे 3.14 गुणे जो है 100। ठीक है, तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो भाग देंगे 25 चौक 100, 25 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 78.50 78.50 वर्ग मीटर। ठीक, अब कह रहा है कि अब देखेंगे भाई क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल देंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगा 78.50 माइनस में जो है पहले वाला क्षेत्रफल कितना, 19.625, तो घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा घटाने पर 58.875 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है इसका जो है सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, ये वृद्धि निकल गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है कि जो छतरी है ना इसकी लंबाई, यानी कि छतरी के जो तार हैं तार की लंबाई कितनी है, तो जो है 45 सेंटीमीटर है, यानी कि ये छतरी का त्रिज्या हो गया है ना। ठीक है, और इसको 8 बराबर भागों में ऐसे जो है ताने छाने गए हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को जो है इसका एक भाग इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसके और इसके तार के बीच, यानी कि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब जो हम लोग को इसका जो एंगल ज्ञात करना होगा, तो 8 ताने बने हुए हैं। अच्छा, कि इस वृत्त पे जो है कितने, इसके अंदर पे कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का, तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 5 40, यानी कि एक कोण इसका हो जाएगा 45 डिग्री, हो जाएगा 45 डिग्री। और त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दिया ही है, तो दोनों क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे। थीटा का मान पता हो गया 45, ठीक है, और आर का मान जो है 45 सेंटीमीटर ये दिया ही है, ठीक है, 45 डिग्री में रहेगा। ठीक है, तो अब जो हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटे 360 पाई और आर स्क्वायर, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री अब बटे 360 गुणे पाई का मान जो है कितना लेना है, इसमें कुछ दिया नहीं है कि पाई का मान, तो इसमें पाई का मान 22/7 ले लेंगे। ठीक है, 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 45 सेंटीमीटर, तो 45 गुणे 45 हो जाएगा, होगा हाँ 45 गुणे 45। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 पर 45 और 9 चौका 36, ठीक है 40 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 9 5 8 40, तो हो जाएगा 8। अब 8 से कोई नहीं कटेगा, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 22 अगुणे 45 अगुणे 45, अब बटे में जो कितना हो जाएगा 8 गुणे 7, यानी कि 8 गुणे 7, तो 8 गुणे 7, 8 से काट सकते हैं। अभी 2 से ही कर सकते हैं, 2 2 चौका 8 और 2 1 22, अब नहीं कटेगा, अब 2 से कोई कटने वाला नहीं है, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, नीचे 28 और ऊपर 11 गुणे 45 गुणे 45 करेंगे तो हो जाएगा 22 275 22 275, ठीक है। तो ये जो है आपका इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, इसका जो है इस भाग का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है, तो हो गया इतना, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। किसी कार के दो बाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मैंने टच नहीं करते हैं, प्रत्येक बाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण पर घूम सक कर सफाई कर सकते हैं बाइपर। आप लोग जो कार के शीशे के ऊपर जो बाइपर लगा होता है बरसात में चलाते हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तो बाइपर बाइपर की जो वो है जो ऐसे ब्रश रहता है ऐसे साफ करता है, इसका जो है त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसका जो त्रिज्या दिया है, अब देखिए वाइपर ऐसे ही ना साफ करता है, यानी कि एक त्रिज्याखंड बनाएगा, त्रिज्याखंड बनाएगा और भाई एक त्रिज्याखंड बनाएगा, ठीक है। और कितने के एंगल पर चल रहा है, तो 115 डिग्री के एंगल पर चल रहा है, ठीक है। तो जो है एंगल जो है ज्ञात हो गया, और त्रिज्या इसका जो है वाइपर की इसकी लंबाई हो जाएगी 25, तो जो है अब हम लोग जो क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये वाइपर देखिए, ये वाइपर मान लीजिए कि वाइपर जो है कैसे इस तरह का जो है त्रिज्याखंड बनाएगा, हाँ इस तरह का त्रिज्याखंड बनाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका त्रिज्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, वाइपर की लंबाई है इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और इसका एंगल भी दिया हुआ है कितना, 115 डिग्री, ठीक है। तो हम इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात दे देंगे, चूँकि जो है दो वाइपर हैं तो इसका जो क्षेत्रफल जो है ज्ञात करके या दूसरे गुणा कर देंगे, तो दोनों वाइपरों का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितना भाग को साफ करेगा, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान है 115 और बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना ले लेना है, आर का मान जो है कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है। आर का मान 25 गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये जो है 5 से कट सकता है, 5 7 35 और 5 2 10, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 10 5 2 10 और 5 3 15, ठीक है। अब जो है ये जो है अब कितना से 2 से ही कटेगा, 2 3 2 3 6 2 6 12, 2 से ही कट जाएगा, 2 1 11, ठीक है। अब जो है 2 से कटने वाला है, अब कोई 10 2 से नहीं कटेगा, तो क्या ऊपर क्या बचा, 23 अगुणे 11 अगुणे 25 25 है अगुणे 25, अब बटे में जो है क्या बचेगा, नीचे 36 अगुणे 7, ठीक है। तो इतना जो है क्षेत्रफल हो गया। अब चूंकि दो वाइपरों द्वारा जो फुहार के साथ जो घिस रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें 2 से भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जो है अब टोटल निकल जाएगा, ठीक है, एक का इतना हो गया, तो इसमें अब 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो दोनों का निकल जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे, अब 2 सही कर सकता है, 2 18 36, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 18 7 126, भाई एक का निकल गया, एक का निकल गया, क्योंकि दोनों वाइपरों का पूछ रहा था, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो दोनों वाइपरों का यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों वाइपर वाइपर द्वारा घिसा गया भाग का क्षेत्रफल, घिसा गया भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, 2 से गुणा कर दिया, तब जो है 2 से ही कट गया 18 बार में, 18 7 126, ऊपर कितना हो गया आएगा, 23 अगुणे 11 अगुणे 25 अगुणे 25, ठीक है।
अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग में इतना आ जाएगा 15 81 25, 15 81 और 25 और बटे में 126, 126 वर्ग सेमी, 126 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है कौन सा सवाल, ये हो गया 18। ठीक है, सवाल नंबर 18 भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन सा 19, सवाल नंबर 19। देखिए क्या कह रहा है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है ना, और यहाँ पाई का मान दिया है 3.14। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो है जैसे कि कह रहा है कि चट्टान देने के लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण के त्रिज्या खंड में 80 डिग्री के कोण त्रिज्या खंड बनाया है, यानी कि कोई लाइट हाउस है 80 डिग्री के कोण पर जो है एक त्रिज्या खंड बनाया है। ठीक है ना, 80 डिग्री के कोण पर त्रिज्या खंड बनाया है। ठीक है, और कह रहा है कि त्रिज्या खंड में 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला है। तो ये जो है त्रिज्या खंड के जो है त्रिज्या खंड की जो है 16.5 का प्रकाश फैला हुआ है, यानी कि 16.5 इसका जो है त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है ना, 16.5 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी त्रिज्या जो कितनी हो जाएगी 16.5, तो रेडियस समझ लीजिए कि 16.5 है। ठीक है ना, और थीटा का जो कोण जो है कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, तो अब जो इस त्रिज्या खंड का पाई का मान जो है कितना ले लेना है 3.14 ले लेना है। ठीक है, तो अब देखिए इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या खंड का जो है क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360। ठीक है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान जो है दिया हुआ 80 बटे 360, 80 बटे 360 अगुणे जो कितना हो जाएगा, पाई का मान जो ले लेना है 3.14। ठीक है, अगुणे जो है कितना ले लेना है, आर का मान कितना है 16.5 अगुणे 16.5। ठीक है, 16.5 गुणा 16.5 है। ठीक है, तो अब जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया और 4 से 4 दूना 8, 4 9 36। ठीक है, अब जो है कोई कटने वाला नहीं है, तो जो है क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, अब इस यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 बट्टे में जो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो जो इसका ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8189.97 और सॉरी गुणा करने पर इतना नहीं होगा, गुणा करने पर कितना होगा, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1709.3, 1709.3, 1709.73 बट्टे में 9। भाई शोर बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, तो 9 बराबर जो क्या होगा, ये वीडियो हम जानते हैं 7 बजे से शूट कर रहे हैं, देख लीजिए 7 बजे कितना शोर आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए दिन में नहीं बनाते, लेकिन इसको ख़त्म करना है। ठीक है ना, इसलिए बना रहे हैं। तो जो है ये हो जाएगा इतना, इतने 9 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1897 वर्ग सेमी। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है देख लेते हैं 20वां सवाल फटाफट। अब देखिए 20वां सवाल क्या कह रहा है, 20वां सवाल कह रहा है कि एक गोल मेजपोस पर समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि मेजपोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए अब ये जो है इन डिजाइनों का लागत, तो इसका जो क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ना, ये कितने बनाए गए हैं, मेज पर समान डिजाइन, जैसे कि मेज पोस पर बनाए गए हैं तो समान डिजाइन, यहाँ की मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो डिज़ाइन बनेगा ना, हाँ इस टाइप का डिज़ाइन बन जाएगा, बनेगा कितने डिजाइन हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 है ना। तो इसका एक कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका एक कोण पहले एक का जो है ये इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो 8 से 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जो है इस जो है भाग का जो है एंगल निकालना हो तो कितना होगा, 360 में जो है 6 से भाग दे देंगे तो 6 6 36 है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है, त्रिज्या इसकी 28 है, त्रिज्या 28 है। ठीक,
और ये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो है खर्च आता है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकाल के एक का इसमें जो 6 से गुणा कर देंगे सबका निकल जाएगा ये सबका, ठीक। और उसमें जो आप 3.5 से गुणा कर देंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो त्रिज्या 28 है, ठीक, और थीटा जो है कितना है 60 है, ठीक है। तो हम लोग जो इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस में जो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इसका होता है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब देखिए, अब जो थीटा का मान जो है दिया हुआ है 60 डिग्री हैं बटे 360, पाई का मान जो है 22/7 ही लेना है पाई का मान, ठीक है ना। तो पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। पाई का मान जो है कितना ले लेंगे, 22/7, 22/7। आर का मान जो है कितना है 28, तो 28 अगुणे 28 कर देंगे, ठीक है। माइनस में जो है क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर, आर 1/2 आर, आर का मतलब जो है 28 गुणे 28 कर देंगे साइन 60। साइन 60 अंश का मान जो है कितना होगा, अब अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब अगले स्टेप में जो है कर देंगे क्या, साठ से काट सकते हैं, तो हो जाएगा 6×6=36, यानी कि 1/60 अगुणे 22/7 अगुणे 28 अगुणे 28, माइनस में 1/2 अगुणे 28 अगुणे 28 अगुणे में साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होगा, ठीक है। अब जो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है क्या कर सकते हैं, अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ 28 है और यहाँ भी 28 28 है, तो 28 28 तो जो है फिलहाल में हम लोग 28 गुणे 28 कामन ले लेते हैं, ठीक है। 28 × 28 कामन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1/6 गुणे 22/7 माइनस में 1/2, ठीक। तो 1/2 गुणे जो हो जाएगा √3/2 होगा, क्योंकि ये भी इधर चला गया, ये भी बाहर चला गया है, ठीक है। तो अब जो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 28 गुणे 28 कोष्ट में देखिए 2 × 3 = 6 × 2 = 22, तो ये हो जाएगा 11/21 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा √3/4 होगा, इतना हो गया। अब जो है क्या करेंगे, 28 × 28 कर देंगे, तो 28 × 28 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21 और 4 का लसन निकालेंगे तो हो जाएगा 84, ठीक। अब 21 × 4 = 84, 11 × 4 = 44 हो जाएगा। अब माइनस में जो है ये 4 × 21 हम, तो 21 √3 हो जाएगा, होगा ना, 21 √3, तो 21 √3 हो जाएगा, ठीक। अब जो है क्या हो जाएगा, 28 × 28, ये जो है अब देखिए यहाँ जो है √3 का मान कह रहा है 1.7 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो है 44 माइनस में 1.21 गुणा 1.7 ले लेंगे इसका मान, बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, होगा बट्टे में 84 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बराबर फिर लिखते हैं, 28 × 28, ठीक है, ब्रैकेट में 44 माइनस में जो है इसका 17 से 21 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35.7 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, 84 होगा। अब जो है घटा लेंगे, तो 28 × 28 और इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8.3, 8.3 बट्टे में हो जाएगा 84, ठीक है। 8.3 बट्टे में 84 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28
28 अगुणे 28 अगुणे 8.3 और बट्टे में जो हो जाएगा 84। ठीक है, तो एक का जो है क्षेत्रफल इतना निकल गया, एक इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल जो है कितना हो गया इतना, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे अब। हाँ, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल, पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे, पूरा पूरा वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर चूंकि छ है, ऐसे ऐसे छ है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा क्या कर देंगे, एक का जो निकला है, एक का यही ना निकला है, 28 गुणा 28 8.3 अगुणा 84, तो 28 अगुणा 28 अगुणा 8.3 अगुणे 84 हो जाएगा। ठीक है, तो जो है ये लगभग में कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। इसको जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, इन सबका गुणा करके 84 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, सबका गुणा करके 84 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो जो है आपका जो है इतना आ जाएगा, इतना वर्ग सेमी आ जाएगा क्षेत्रफल। अब इसमें जो है, क्योंकि एक 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 जो है भाग का जो है रंगाई कराने का जो भी कर रहा है उसका खर्चा कितना है, एक वर्ग सेमी का जो लागत, एक वर्ग सेमी का लागत है। ठीक है ना, एक वर्ग सेमी का लागत कितना है, एक वर्ग यहाँ लिख देंगे, एक वर्ग सेमी का लागत है कितना, 0.35। ठीक है, तो कितना वर्ग आया है, इतना वर्ग सेमी आया है, तो इतना में 6 गुणा कर देंगे 0.35 अगुणे जो है 464.8 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 464.8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 162.68। ठीक है, तो 162.68 रुपया जो है खर्चा आ जाएगा। तो इसी के साथ जो है ये लास्ट सवाल था प्रश्नावली 12B का, जो है सवाल खत्म हो गया प्रश्नावली 12B। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, प्रश्नावली 12B के अब सभी सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रश्नावली 12B जो है कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद से अब नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्नावली 12C का जो है करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए।